हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो फिर से एक हैमलेट के ऊपर है। सुबह मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं इंजर हो गया हूँ, घुटने पे चोट लगी हुई है, थोड़ा लंगड़ा के चलता हूँ। तो घुटने के नीचे ना थोड़ा, कल दोपहर में नहर पे नहाने के लिए गए थे तो वहाँ पर चोट लग गई थी, तो उस वजह से फिर मुझे मतलब चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं सुबह कहीं गया नहीं हूँ और बस अपने घर पर ही रेस्ट किया। मैंने उसकी पैर की मालिश करके घर पर रेस्ट की। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। आज मैं आपको फिर से एक हैमलेट दिखाने वाला हूँ। हैमलेट का मतलब घर, खेतों में घर ढाणी बनी होती है, वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसी रास्ते से हम आए हैं। वहाँ पर सामने आपको ऑटो दिख रहा होगा, दिल्ली से मामा जी आए हैं तो वो लोग मुझे ले गए कि चलो तुम्हें खेत की सैर करवा लें, तो मैंने कहा चलते हैं फिर। तो चलिए फिर अब हम पहले हैमलेट के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो के एंड में मिलते हैं। तो वो है पगडंडी जहाँ से हम आए हैं। ये रहा सामने कुप, यहाँ पर इसमें तूड़ी होती है, ठीक है। ये वहाँ पर पट्टे लगे हुए हैं, जो भी है ग्रीन्स वगैरह, तो सब जगह। ये मैं खेत आपको आके दिखाऊंगा क्योंकि इसकी ना जो पैडी है वो रेडी है, अभी हम मैंने चखी थी तो उसका स्वाद बिल्कुल वही है। तो ये वो पगडंडी है, अब हम इस पगडंडी पर जाएंगे, देखते हैं आगे के सीन क्या क्या है, दिखाऊंगा आपको खेतों में आगे क्या क्या लगा हुआ है। तो ये जो हैमलेट है ये बेसिकली गांव से 1 किलोमीटर दूर है, तो आधा किलोमीटर या आधे किलोमीटर से थोड़ा सा कम आगे थल गांव है। थल गांव के बीच में ही आता है ये, बेसिकली वहीं पर आता है जहां पर मैंने थल की आपको व्लॉग दिखाया था, थल रोड की, तो उसी के रास्ते में ये आता है, हैमलेट आता है। ये यहां पर पहले खाला होता था, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, पहले यहां पर पानी की सप्लाई होती थी, तो छोटा सा कनाल होता था पहले, तो अब यहाँ पर नहीं है, अब ये ख़त्म यूज़ में नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मिट्टी डाल दी गई है। पहले ये बहुत चलता था क्योंकि ये यहाँ पर अब तो खैर ट्यूबवेल आ चुके हैं, तो ट्यूबवेल होने की वजह से अब ये खाले बंद हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो पानी होता था वो नहर से ही आता था, जो दूर आपको नहर दिख रही है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जहाँ मुझे कल चोट लगी, तो ये वही नहर है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। ये ऊंची ऊंची जो पगडंडियाँ हैं ना, यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पैर भी दर्द कर रहा है, ये देखो गन्ने लगे हुए हैं, है ना, छोटे से ही हैं बस, ज़्यादा नहीं है, 2-4 गन्ने खाने के लिए ही ये उगाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं। और साइड में आपको पैडी का फील्ड दिख रहा होगा, आप देखिए किस तरह से पैडी का फील्ड रेडी है, हो जाएगा रेडी, मतलब लगभग 1-1.5 महीना और है, उसके बाद ये भी तैयार हो जाएगा। ये साथ में जो आपको दिख रही है ना, ये कमरा जो है यहाँ पर ट्यूबवेल चल रहा है, तो देखते हैं फिर ट्यूबवेल को भी। ये शतूत का नहीं है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, आई डोंट नो, सॉरी। मेरी स्पीड उनसे बहुत कम है, सभी आगे चले गए। ये देखिए अमेजिंग, मतलब जहाँ कहीं पे भी किसी भी खेत में जाओगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो सामने हल्दी का पेड़ लगा हुआ है, वो देखो बड़े बड़े पत्ते वाले। और ये जो, ये देखो ये वाला जो पेडी का फील्ड है ये रेडी है, अब ये पक्के तैयार हो गया है, बस इसको हार्डली 10-15 दिन लगेगा। ये देखो कैसा येलो दिख रहा है ना, अभी ग्रीन है तो ग्रीन से येलो हो जाएगा, तो उसको येलो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अमेजिंग। और ये खाला होता है, यहाँ से पानी आता है, ये देखो वहाँ से पानी, यहाँ इधर जाना, कहीं पे भी उधर से इधर शिफ्ट करना, इधर से उधर शिफ्ट करना, इन खालों का काम सिर्फ यही होता है कि सही डायरेक्शन में पानी को छोड़ देना, जो भी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो दोनों गांव सेम डिस्टेंस में है। ये देखो ये वाला जो गांव आपको दिख रहा है, हम इसी हैमलेट में जाएंगे, अभी इसी घर में जाएंगे, ये रिश्तेदारों का घर है। तो ये जो गांव है ये है खुरड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, और इसके बिल्कुल पास में ही अगर ऐसे जाओ आधा किलोमीटर ही है बस, ये वाला गांव आ जाता है थड़, है ना, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। यही तो हम देखने आते हैं, यही जो लाइफ है, यही तो हम देखने आते हैं, यहाँ की जो रूरल लाइफ है।
सच में सच माने ना तो सिटी की जो लाइफ है ना वो बेकार की लाइफ है, बेवजह हम घूमे जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ों को तो हम अवॉइड ही कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, और नेचुरल चीज़ों को हमें कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें कभी ना कभी रूबरू होना पड़ना भी पड़े तो होना भी चाहिए। ये देखिए, ये वो हैमलेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर ना ये जो खाली प्लेस है, यहाँ पर पहले सब्जियाँ वगैरह लगी होती थी, ये काउ डंग्स हैं, ये देखो बेसिकली ये चूल्हा जलाने के काम आती है। और जो काउ डंग्स के पास वो पड़ा ना, उसको बोलते हैं सुहागा। तो जब कभी खेतों में हल डालते हैं तो उसके बाद उस ज़मीन को फ्लैट करने के लिए वो सुहागा होता है। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ, ठहरो, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलूँगा। पैर में मोच सी आई हुई है, मोच तो नहीं, घुटने के ऊपर पता नहीं क्या हो गया है, तो मूव वगैरह लगाई हुई है, आराम आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो, ये होता है सुहागा। हालांकि ये पुराना हो गया है, बट नया, जब नए वाला भी होता है, पता नहीं, वो नए वाला तो अब बड़े बड़े साइज़ में आता है, अब ये पहले वाला है पुराने टाइप का। तो यहाँ पर ये जिस फील्ड में मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं, ये सारी पहले यहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह उगती थी। तो ये है छोटा सा बगीचा जो यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर तो कुछ खास नहीं है, बस एक दो भिंडियाँ वगैरह लगी हुई हैं। ये यहाँ पर गन्ने के खेत हैं, ये आई थिंक बहुत पुराने। और ये गावा का पेड़ है, यहाँ पर अमरूद वगैरह लगते हैं। अब तो खैर अमरूद ख़त्म हो गए हैं, बट ये जो सेकंड टाइम लगते हैं ना, वही वाले हैं। ये देखिए, ये खेत है यहाँ पर, ये वाला फास्ट में ट्रांसफार्म लगा हुआ है। ये खेती बाड़ी के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वही लगे हुए हैं। ये देखो, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, देखो सी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सीन, देख लो, है ना, अमेजिंग, प्राइसलेस। ये जो है ये घिये की बेल है, ये देखो, ये घर पे ही, मतलब पास में ही जगह है, वहां पर लगी हुई है। चलो थोड़ा सा मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। घर में तो हम, आपको पता ही है, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं वो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा ही मैंने किया। घर में जो पर्सनल चीज़ें हैं वो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होनी ज़रूरी होती है। तो ये वो थल गांव लग रहा है वो, और इसके बिल्कुल थोड़ा सा दूर ही खुरड़ा गाँव है, ये देखो पास में ही है। यहाँ पर बाजरा लगा हुआ है, तो ये इसकी कटाई अभी शाम को होनी है, उन्होंने अभी हमें जानकारी दी थी। देखो कितना ब्यूटीफुल एरिया ये, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मतलब बहुत ही अच्छा एक फीलिंग। और जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो, ये है गांव की जो हैमलेट है, वहाँ पर खुरली, ये थोड़ी टूटी हुई है, बट मैनेज कर लेते हैं। तो ये है वो जो मतलब घिया वगैरह लगता है यहाँ पे। ये है चॉपिंग मशीन, जो चॉप करने के लिए होती है। और ये वाला ना, किसी चीज़ को जैसे दाने वगैरह साफ़ करने के लिए तो हवा पंखा चलाते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, इससे दाने वगैरह साफ़ होते हैं। तो कुप तो आपको हर खेत में मिलेगा, तूड़ी वगैरह, ठीक है। ये है चॉपिंग मशीन, देखो चॉपिंग मशीन, जिससे जो पट्टे होते हैं वो चॉप करते हैं। और ये होती है त्रंगड़ी, पंजाबी में इसको त्रंगड़ी बोलते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है, ये देखो इस तरह से ऐसे इकट्ठा करता है ना, ऐसे। राइट, ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, पहले गलती से मैंने कुछ छोटा बोल दिया था, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए नहीं, वैसे काम तो यूजेस हो जाता है इसका, ये बेसिकली एनिमल्स के लिए है।
एनिमल्स जो खड़े होते हैं तो गर्मी में होते हैं ना, मच्छर वगैरह होते हैं, क्योंकि ढाणियों में रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो यहाँ पर मतलब मच्छर वगैरह होते हैं, तो उनसे दूर रहने के लिए इनके लिए स्पेशल ये एक मशीन है, पंखा है, जो उनको मच्छरों से दूर रखता है, ठीक है ना। तो मुझे लगा था कि इसके दाने वगैरह करते हैं, हो जाता है, वो भी हो जाता है दाने वगैरह भी, क्योंकि हवा का रहता है कि जिससे दाने वगैरह भी साफ़ हो जाते हैं, हवा से चलते हैं, अगर यहाँ पर हवा नहीं चल रही है तो। ये मशीन है स्पेशली फॉर एनिमल्स, जो एनिमल खड़े होते हैं तो मच्छर वगैरह ना लगे, रात के टाइम पे ये चला देते हैं, ठीक है ना। देखो ये घर में डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो घर पे यूज़ होते हैं दूध वगैरह के लिए, पता ही है आपको। तो इस ये जिस पे बंधे हुए हैं ना, वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आपका बचपन याद आएगा आपको। ये देखो ये है मंगोलियाँ, इस नीम की नमोली होती है ना, वो देखो ऊपर बहुत सारी लगी हुई है। यहाँ से आई थिंक आपको दिखेगा नहीं, इसको क्लिक करके देखता हूँ। हाँ जी, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, दोपहर का टाइम है, लेकिन हवा से ना अभी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। ये देखो ये वाली निमोनिया, ये बचपन में हम खेलते थे ना, बंटे वगैरह खेलते, बंटारे वगैरह खेलते थे, वो चीज़ है। रूरल लाइफ बहुत ही मतलब इतनी सुपीरियर रूरल लाइफ है, जो हमें मतलब प्राइसलेस है। यू कैन नॉट बाय, यू कैन एक्सप्लोर, मतलब इस तरह से है ये वाली रूरल लाइफ। तो बचपन में जिस तरह से हम खेलते थे ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, तो इससे ना बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये बहन जी हमें आगे आने जाने के लिए नहीं, जाने के लिए बिल्कुल रोक रही हैं, तो इनके पास हम नहीं जाएंगे, लेकिन निमोलियों का बिल्कुल क्लोजअप मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये वाला पिक्चर देखो, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी ऊँची लगी हुई थी, तो यहाँ पर देखते हैं ये कहीं मारे ना हमें। देख तो रही है बहन जी, चेक करते हैं अगर हाथ पहुँच जाए तो। ये देखो है ना, बचपन में खेले हुए।